पार्किंग बेसमेंट में और शाहरुख मन्नत में है। गड्डी यहीं खड़ी रहेगी और एक भी स्क्रैच है ना ऐसा घुसाना बजाऊंगा तू बन जाएगा ब्रेकिंग न्यूज। ये रखियो प्रसाद, अब खड़ी रहने दे, फरारी है फिर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो प्रधान जी, जी बसल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना? जी जी। पिछले दिनों वहां हुए रेप केस के बारे में आपका कोई बयान नहीं आया। ये कैसा सवाल हुआ रानी जी? मतलब हर छोटे मोटे हादसे पर हम क्या बयान देते फिरेंगे? छोटे मोटे हादसे और नहीं तो क्या, ये लड़कियां आजकल जो इतनी चाउमीन शाउमीन खाएंगी तो ये हादसे तो होते रहेंगे। ये देखिए मिठाई का डब्बा खुलेगा तो मक्खियां तो बिलबिलाएंगी। आप समझ रही है ना, लड़कियों को खुद ब खुद सोचना चाहिए ये कौन से कपड़े पहने और कौन से नहीं। क्यों? और जब किसी 2 साल की बच्ची या 80 साल की बूढ़ी औरत का रेप होता है तब? आप नहीं, आप समझी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था रानी जी। देखिए जहां तक मर्दों का सवाल है, अब वो दिन भर काम काज का बोझ, वो टेंशन, वो फ्रस्ट्रेशन तो वो आई एम सॉरी बट फ्रस्ट्रेटिंग पता है क्या है कि आप जैसे लोग इलेक्ट होके बैठे हैं। मैं बताती हूँ रेप्स क्यों होते हैं। रानी रानी इनफ इनफ इनफ। क्योंकि आप जैसे घटिया मर्द इस देश में खुलेआम घूम रहे। प्रॉब्लम हमारे कपड़ों खाने या फोन में नहीं, आपकी गंदी सोच में है। आपने कुछ देर पहले औरतों को मिठाई के डब्बे से कंपेयर किया था ना प्रधान जी। जिस दिन आप लोग हमें इस तरह ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर देंगे, शायद उसी दिन से हर रोज हर जगह ऐसी दर्दनाक खबरें आनी भी बंद हो जाए। कमाल है, नजर खराब आपकी और पर्दा करे हम, ये कैसा इंसाफ हुआ? बंद करो ये कैमरे, गाड़ी बुलाओ गाड़ी। रानी जी अगर इंसल्ट ही करनी थी तो बुलाया क्यों? बुलावा तो बनता है ना प्रधान जी, आपको सभ्यता जो सिखानी थी। रानी, रानी, आमी, रानी, नमस्ते।